भाई आज का जो एपिसोड था जो हमने देखा तेरे इश्क में घायल का, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एंड उसको अजीब से लगाने का मतलब जो ये था, कारण ये था वो, क्योंकि आज का एपिसोड ना बड़ा आसानी से क्लियर हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि अभी तक जितने भी एपिसोड जा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो एक मतलब पॉइंट पे आके लगती थी कि यार ये मज़े नहीं दे रही है, कुछ लग नहीं रहा यार, मजा नहीं आ रहा। बस बस बात ये, मजा नहीं आ रहा। लेकिन आज के एपिसोड को देख के ऐसा ही लगा कि भाई मजा नहीं आ रहा, आज लगातार मजा ही मजा मिला। पहले वीर गया काव्य को ढूंढने, तो वहां पे कोई और मिल गया, वो पता नहीं कौन है, उसके बारे में कुछ मुझे भी नहीं समझ में आया कौन है। लेकिन हाँ, वो काव्या की दोस्त इतना पता है, वो वीर अरमान को भी जानती है, इतना भी पता है। फिर वो बोलती है कि भाई वो अपने जो भी चीज है एक उसके लिए निकल चुकी, वो हॉस्पिटल में जाता है, हॉस्पिटल में ढूंढता है कि शायद ईशा वहाँ हो, सॉरी काव्या वहाँ पर मिल जाए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलती, ईशा मिलती है। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है कि ईशा और अरमान एक दूसरे को मिलते हैं, तो काव्या जो है वो पीछे आती है, और वो एक अजीब वो गंदा इफेक्ट था यार कि वो ऐसे करते हुए आ रही हो, पीछे देखने को डार्क लाइन बनती, वो इफेक्ट अच्छा लगता, थोड़ा रियल बना देते कम से कम तो अच्छा लगता। और यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे देखने को मिला कि जो हमारी काव्या है वो पहले तो आराम से खड़े होकर देखते, फिर एकदम से दीवार पे चिपक के सब कुछ देख रहे थे कि आखिर क्या है, कैसे वो दोनों हक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो इसको देख के काव्या थोड़ी सी जेलस हो जाती है। अब दूसरी तरफ क्या है, जब ईशा वीर से मिलती है, वीर उसको टच करके देखता है, मतलब कोशिश करता है कि वो पता करे कि काव्या है या ईशा है, लेकिन वो पता कर लेता है भाई ईशा है, काव्या नहीं है। फिर वो वहां से चला जाता है और वो जाता है चैरी के रूप में, यहाँ पर वो चैरी को अपना खून पिला के उसको फिर से नॉर्मल करना चाह रहा था, उसको फिर से बचाना चाह रहा था, लेकिन ये नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे महक आ जाती है, महक उसको रोक लेती है। फिर वहाँ पे बोलते कि तुम्हारा भाई अरमान और ईशा भी आए थे कि यहाँ पे आए हैं, और वो मतलब इसको मारना चाहते हैं, उसको भेड़िया बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, और अरमान वीर को लेके चला जाता है। लेकिन इससे पहले वीर और महक के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है वो ये होती है कि भाई मेयर को तुमने क्यों मारा, महर के पापा को क्यों मारा। तो वो बोलती कि भाई वो तो इंसान थे ना, तो वहाँ पे कर क्या रहे थे, सबसे बड़ी बात। तो बोलती है मैं तो, सॉरी वीर बोलता है तुम तो योगिनी हो, तुम पता करो कौन है। तभी यहाँ पे अरमान और ईशा की एंट्री हो जाती है, फिर वहाँ पे क्या होता है, वीर अरमान को ले जाता है और फिर वो पूछता है कि भाई क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे भाई बातचीत होती है और क्लियरली सामने आ जाता है कि भाई जो काव्या वो सामने आ चुकी, बाहर आ चुकी, और अरमान साहब कहता है कि ईशा को कुछ भी हुआ तो मैं काव्या को नहीं छोड़ूंगा। तो वीर कहता है कि पिछले बार मैं नहीं था, लेकिन अब की बात तुम्हारे और काव्या के बीच में मैं हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस। और वो वहां से चला जाता है। तो तभी वीर क्या होता है, एक भेड़िया को देखता है कि वो खून, सॉरी अरमान देखता है कि एक भेड़िया खून पी रही होती है, और उसके पास जाती है और जाता है, तो पता चलता है वो उसकी कोई दोस्त है। वो काव्या का एक मैसेज देती है कि भाई तुम्हारे लिए जो था जिसने उसको बंद किया उसके लिए वो आ रहा है, ठीक है। क्रिप्टेड मैसेज होता है कि कौन है पता नहीं, लेकिन ये एलाइजा का भाई है जो टीवीडी में था, वो बहुत खतरनाक है, वो ओरिजिनल वैम्पायर है, सॉरी भेड़िया है, ओरिजिनल है वो, है सबसे पहला भेड़िया जो एक्चुअल में था, और वो आ रहा है वीर अरमान के पीछे, वो ये बता देती है। लेकिन उसने नाम बंद, वो मतलब एक हिंट देके छोड़ देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो भाई साहब फटाफट जाता है और वो ईशा को बताता है सारी बातें, और ईशा की वजह से बताने के बाद क्या होता है कि वो फटाफट आ जाता है अपने घर पे, और ईशा को भी बोलता है कि तुम भी मतलब अपने घर जाओ। लेकिन वहाँ पे कहते हैं चैरी की मम्मी जो होती हैं उनको जॉब पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है, तो वो क्या वो करती है कि तुम ऐसा करो आप आंटी जाओ, मैं यहाँ पे चैरी के पास। और फिर जब उसको वीर की याद आने जाती है, सॉरी अरमान की याद आती है, तो अरमान के पास निकल जाती है, और अरमान बोलते हैं कि आज पूर्णिमा की रात हो, तुम ऐसे घूमी हो, अगर काव्य ने हमला कर दिया तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे पास आ गई बस, और कुछ भी बात नहीं है, और मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों चीज़ें हैं कि जो भी है, मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी अजीब सी थी। और यहाँ पे सीधी सी बात ये हुई कि भाई तुम यहाँ से जाओ, और उसने मुझे मतलब मेरे बारे में नहीं, किसी अपने बारे में नहीं, सॉरी किसी और के बारे में क्या बताया है कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो वैसी नहीं होने वाली जैसे तुम सोच रहे हो, वो चीज़ें बदलने वाली है, और जो भी है यहाँ पर कोई और भी आने वाला है जो भी मतलब मेरे पीछे पड़ा हुआ, मैंने उसको कह दिया ऐसे करके, वो बातें बता रहा था। इसकी वजह से जो ईशा होती है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत टेंस हो जाती है, वो किसके बारे में बात कर रहा है या बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक मतलब बात ये समझ में नहीं आई कि जो चीज़ें हैं वो ना यहाँ पे बड़ी आज अमेजिंग इसलिए लगी, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि कहानी बहुत ही फ्लुएंटली गई, प्लस यहाँ पर ईशा और जो काव्या का रोल है जो निभा रही हैं रीम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया, बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, और चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथली गई हैं। एंड आई होप
कि आने वाले एपिसोड में भी ये जो एक मतलब विलन, ये जो सस्पेंस बनाए विलन का, ये कायम रहे और पता चले कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। और मतलब जो है ना चीजें, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए काव्य, ना कि ऐसा हो कि भाई काव्य सत्यानाश कर दे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि यार काव्य ने इतना बड़ा हिंट दिया है कि भाई कोई और भी आ रहा है और वो जो है वो आकर तुम्हें मतलब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुमने उसको बंद किया था, ये वो एक्स वाई जेड जो भी रीजन है वो। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा कि भाई क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट।